नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात करनी थी हम लोगों को उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। तो हम लोगों ने देख लिया था कि क्या क्या हम लोग बात करेंगे। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के विषय सूची देख ली थी हम लोगों ने, किस चैप्टर में क्या देखेंगे हम लोग। तो याद रखिए, ये उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान है। तो इससे संबंधित जितने भी तुम्हारे लेक्चर बनेंगे वो सभी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की प्लेलिस्ट सूची में डले रहेंगे। चलिए, तो पहला चैप्टर हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश पर एक नज़र डालते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर राज्य है। याद रखना, जनसंख्या के राज्य के आधार पर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, और क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान यूपी का कौन सा नंबर है क्षेत्रफल की? फोर्थ नंबर पर है, चौथे नंबर पर है यूपी क्षेत्रफल के अनुसार में। ठीक है, पहले पर राजस्थान है। इसकी प्रशासनिक राजधानी लखनऊ है तथा न्यायिक राजधानी इलाहाबाद है। उत्तर प्रदेश शब्द का वास्तव में अर्थ है उत्तरी प्रांत। प्राचीन काल में से ही उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण राज्य रहा है। इसका कारण यह है कि यहाँ की नदियों द्वारा सिंचित भूमि। सर्वप्रथम इस राज्य को मध्य प्रांत के नाम से भी जाना जाता था। ताज की धरती, कथक नृत्य का उत्पत्ति स्थान, बनारस की पावन हिंदू धरती, भगवान कृष्ण का जन्म स्थान, वह जगह जहाँ बौद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था, यह सब उत्तर प्रदेश के अंदर ही आता है। उत्तर प्रदेश का इतिहास आर्य काल तक पुराना है, जब आर्यों ने आकर देश के मध्य में बस्तियों की स्थापना की थी। उस समय वे इसे मध्य प्रदेश कहते थे। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को माना जाता है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटें 403 हैं। राज्य की राज्यसभा सीटें हैं 31, लोकसभा सीटें हैं 80, जिलों की संख्या है 75। ठीक है, याद रखिए, विधानसभा सीटें 403, राज्यसभा की सीटें 31, लोकसभा की सीटें 80, जिलों की संख्या कितनी है? 75। उत्तर प्रदेश की भाषा हिंदी तथा राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। राज्य का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फोर्थ नंबर पर है, चौथे नंबर पर है क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, यूपी। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341। ठीक है, जिनमें स्त्री हैं 9,53,31,831, पुरुष हैं 10,44,80,510। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है 67.68%। स्त्री है 57.8% स्त्रियों में, पुरुषों में 77.28%। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय फूल है पलाश। राजकीय पेड़ है अशोक। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, कितने? लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जिलों वाला राज्य है। कितने हैं? 75 जिले। उत्तर प्रदेश में स्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिला एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं चार प्रदेशों को छूती हैं। इस राज्य में अनेक नदियां हैं, जैसे गंगा, यमुना, घाघरा, चंबल, सोन। राज्य की 80% से अधिक जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहती है तथा लगभग 66% जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 5.95 यानी कि 14,338 वर्ग किलोमीटर पर वन है। उत्तर प्रदेश आलू तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राज्य में चमड़े का काम सर्वाधिक मात्रा में होता है। आगरा तथा कानपुर इसके मुख्य बिंदु हैं। राज्य में सड़कों की कुल लंबाई है 1,31,969। राष्ट्रीय राजमार्गों की
लंबाई है 3794 तथा रेलवे लाइन की कुल लंबाई है 8900 किलोमीटर 8900 किलोमीटर। ठीक है, लखीमपुर खीरी इसमें स्थित दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। यह 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल की बात करें तो हिमालय की सुंदरी तलहटियों के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। खूबसूरत लैंडस्केप में स्थित हिमालय की पर्यटन स्थल सैलानियों के पसंदीदा स्थान है। अपनी समृद्ध और विविध टोपोग्राफी, जीवंत चेहरे, संस्कृति, त्योहारों, स्मारकों और प्राचीन धार्मिक जगहों के कारण उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटक के मामले में 71 मिलियन से ज़्यादा के सालाना आंकड़े के साथ पहले स्थान पर है। ठीक, कुछ और देखते हैं। राज्य उत्तर प्रदेश, स्थापना 1 नवंबर 1956, राजधानी लखनऊ है। स्थिति की बात करते हैं, इनकी अवस्थिति कैसी है। 23 डिग्री 52 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश तक तथा 77 डिग्री 3 पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 29 पूर्वी देशांतर। ठीक है, याद रखिए। सीमावर्ती राज्यों की बात करें, सीमावर्ती प्रदेशों की बात करें तो उत्तराखंड उत्तर में तथा नेपाल, याद रखिए केवल एक देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की, वो है नेपाल। उत्तर में उत्तराखंड, नेपाल, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पूर्व में बिहार, झारखंड, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान और दक्षिण में मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़। ठीक, विधानमंडल की बात करें तो द्विसदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या है 403+1, मतलब 403 निर्वाचित होते हैं, एक एंग्लो इंडियन। ठीक, इस प्रकार 404 है। विधानसभा परिषद में सदस्यों की संख्या करें तो 99+1, 99 निर्वाचित होते हैं एंग्लो और एक मनोनीत होता है। ठीक, लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में, खंडपीठ है इसकी लखनऊ में। संभागों की संख्या 18 है। जिलों की संख्या 75, तहसीलों की संख्या 312, शहरों एवं नगरों की संख्या 689, विकासखंडों की संख्या 820, नगर निगम 14 हैं, कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, बरेली, गोरखपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, सहारनपुर, फिरोजाबाद। भाषा की बात करें तो हिंदी है और उर्दू दूसरी राजभाषा है इसकी। राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय पशु वारेसिंगा, राजकीय पक्षी सारस अथवा कौंच, राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय चिन्ह है मछली एवं तीर कमान। ठीक है, राजकीय खेल है हॉकी। राजकीय चिन्ह है उत्तर प्रदेश का राज चिन्ह है, राज चिन्ह सन 1938 में स्वीकृत किया गया था। इस चिन्ह में प्रयुक्त प्रतीक तथा उनका तात्पर्य निम्न प्रकार है। दो मछलियां अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक, तीर धनुष भगवान श्री राम का प्रतीक, तीन तरंगे गंगा यमुना के बहाव एवं संगम का प्रतीक। क्षेत्रफल 240,928 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या देखी ली थी 19,98,12,331 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक, पुरुष जनसंख्या है 10,44,80,510, महिलाओं की है 9,53,31,831। कुल ग्रामीण जनसंख्या है 15,53,17,278 2011 की जनगणना के अनुसार। ग्रामीण जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या है 8,09,92,995, महिलाओं की है 7,43,24,283। कुल शहरी जनसंख्या है 4,44,00,000
95,063 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें शहरी जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या 2,34,87,515 और शहरी जनसंख्या में महिलाओं की संख्या है 2,10,07,548। 2001 से 2011 दशकीय जनसंख्या वृद्धि रही है 20.22, कितनी 20.22%। उत्तर प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है 16.50%। उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है 22.30%। 22.30% आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का प्रथम स्थान पर है। जनसंख्या घनत्व है 829। लिंगानुपात है महिला प्रति 1,000 पुरुषों में 912। ग्रामीण लिंगानुपात है 918। शहरी लिंगानुपात है 894। याद रखना है लिंगानुपात कितना है यहाँ का 912। ग्रामीण लिंगानुपात गांव में 918। शहरी लिंगानुपात 894। ठीक है। 0 से 6 वर्ष वर्ग के बच्चों में कुल जनसंख्या है 3,07,91,331। बालक हैं 1,61,85,581। महिलाएं हैं इसमें बालिका, ठीक है, 1,46,05,750। 0 से 6 वर्ष वर्ग आयु के ग्रामीण बच्चों की कुल जनसंख्या है 2,50,40,583। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के शहरी बच्चों की कुल जनसंख्या 57,50,748 है। 0 से 6 वर्ष वर्ग आयु बच्चों के लिंगानुपात है 902। 0 से 6 वर्ष वर्ग के शहरी बच्चों में लिंगानुपात है 855। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण बच्चों में लिंगानुपात है 906। कुल साक्षरता है यहाँ 67.68%। पुरुष साक्षरता है 77.28%। महिलाएं साक्षरता है 57.18%। कुल ग्रामीण साक्षरता है 65.46%, जिनमें पुरुष ग्रामीण पुरुष साक्षरता है 76.33% और ग्रामीण महिला साक्षरता है 53.65%। ठीक है। शहर की बात करें, शहर में कुल शहरी साक्षरता है 75.14%, जिनमें से शहरी पुरुष साक्षर हैं 80.45%, शहरी महिलाएं 69.22%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है श्रावस्ती। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है खीरी। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है संत रवि दास नगर भदोही। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला है कानपुर नगर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है इलाहाबाद। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है महोबा। सबसे कम जनसंख्या जन घनत्व वाला जिला ललितपुर। याद रखना सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है इलाहाबाद। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा। सबसे कम जन घनत्व वाला जिला गाजियाबाद, सॉरी सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है ललितपुर। ठीक है। सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद, सबसे कम ललितपुर, सबसे ज़्यादा गाजियाबाद। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर, कितना है 1024। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर 851। भाषा हिंदी है। प्राकृतिक प्रदेशों की बात करें तो तराई प्रदेश, गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश, दक्षिण का पठारी प्रदेश। प्रमुख नदियों की बात करें गंगा यमुना रामगंगा काली अथवा शारदा घाघरा गंडक कोसी चंबल बेतवा सिंध कैन सोन आदि नदियाँ। नदी के किनारे बसे उत्तर प्रदेश के मुख्य नगर एवं तीर्थ स्थलों की बात करें तो गंगा के किनारे गढ़मुक्तेश्वर, राजघाट, सोरुण,
बैठूर, फर्रुखाबाद, कानपुर, मिर्जापुर, बनारस और गाजीपुर। यमुना के किनारे मथुरा, वृंदावन, आगरा, बटेश्वर, कालपी, कौशाम्बी। गंगा यमुना के संगम पर इलाहाबाद, प्रयाग। गोमती के किनारे लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर। घाघरा सरयू के किनारे अयोध्या। ठीक है, जलवायु 3 ऋतु में होती हैं। ग्रीष्म ऋतु मार्च मार्च से मध्य जून तक, वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर, शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी। प्रदेश में वर्षा की बात करें तो तराई के भाग में होती है 100 से 150 सेंटीमीटर, मैदानी भाग में होती है 60 से 100 सेंटीमीटर, पठारी भाग में होती है 50 से 80 सेंटीमीटर। तापमान की औसत बात करें तो राज्य का सर्वाधिक तापमान आगरा में अधिकतम अंकित 49 डिग्री सेंटीग्रेड मई 1994 में देखा गया था, अधिकतम 43 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड मई जून में, न्यूनतम 3 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड दिसंबर जनवरी में। ठीक है, वनस्पति वनस्पति प्रदेशों की बात करें तो हिमालय की उच्च श्रेणियों के वन, फिर है हिमालय की नम शीतोष्ण वन, फिर है उपोष्ण कटिबंधीय वन, फिर है उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ। वन क्षेत्र है 5.95%, जो 14,338 वर्ग किलोमीटर है। खनिज पदार्थों की बात करें तो चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा, जिप्सम, कांच, संगमरमर, फॉस्फोराइड कोयला। तांबा की बात करें तो ये ललितपुर में मिलता है, बॉक्साइट बांदा व बनारस में, चूना मिर्जापुर, डोलोमाइट मिर्जापुर बांदा, कोयला मिर्जापुर, सिलिका बालू इलाहाबाद, पायरोफिल साइट झांसी तथा हमीरपुर में, संगमरमर मिर्जापुर, एंडाल साइट मिर्जापुर। मुख्य फसलों की बात करें तो खाद्यान्न फसलें जैसे चावल, गेहूं, चना, जौ, मक्का, बाजरा। नगद फसलों की बात करें चार कपास, अलसी, मूंगफली, गन्ना, तिल, सरसों, तंबाकू। गेहूं मेरठ, मुजफ्फरनगर, इटावा, बुलंदशहर, सहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, एटा, मैनपुरी। गन्ना गोरखपुर, देवरिया, मेरठ। चावल सहारनपुर, गोरखपुर, पीलीभीत, देवरिया, बहराइच, गोंडा, जयप्रकाश नारायण नगर बोलते हैं गोंडा को, बस्ती, रायबरेली, लखनऊ, बलिया। तंबाकू मेरठ, एटा, वाराणसी, फरुखाबाद व बुलंदशहर में। कपास की बात करें तो कपास कानपुर, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़, पटसन, देवरिया, गोरखपुर में। मुख्य फलों की बात करें तो आम आम मलिहाबाद, लखनऊ, बरेली, मेरठ, कानपुर, फर्रुखाबाद, सहारनपुर, हरदोई में। संतरा सहारनपुर, माल्टा मेरठ, वाराणसी, सहारनपुर। नींबू की बात करें सहारनपुर और मेरठ। अमरूद की बात करें इलाहाबाद, फर्रुखाबाद, बरेली व फैजाबाद। लीची है सहारनपुर तथा मेरठ। सप्थालू सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर तथा लखनऊ। मिट्टी की बात करें मिट्टी प्रदेश की तो कांप मिट्टी मैदानी भागों में, पुरानी कांप बांगर, नवीन कांप खादर, मिश्रित लाल और काली मिट्टी लेटराइट पठारी भागों में। सिंचाई की अगर बात करें नलकूप, कुएं, तालाब और नहरों द्वारा होती है। प्रमुख नहर व योजनाएं हैं ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, शारदा नहर, पूर्वी यमुना नहर, आगरा नहर, बेतवा नहर, केन नहर, धसान नहर, पश्चिमी गंडक नहर, मिर्जापुर नहर, राम गंगा नहर, शारदा सहायक नहर, नारायणपुर पंप नहर, पूर्वी गंगा नहर, मध्य गंगा नहर, देवहट्टी पंप नहर, माता टीला बांध, राजघाट बांध परियोजना, सरयू नगर नहर नहर और बाणसागर नहर। परमाणु विद्युत योजना नरोहा नरोरा बुलंदशहर।
जल विद्युत केंद्र की बात करें तो मोहम्मदपुर, खातिया, पथरी, रेहंद, माता टीला, ओबरा, छिवड़ू, कोलहल, रामगंगा, छिल्ला, खुदाड़ी, मनेरी वाली। ताप विद्युत केंद्र की बात करें तो हरदुआगंज, पनकी, ओबरा, पारीछा, अनपड़ा, टांडा तथा ऊंचाहार। बहुउद्देशीय योजनाओं की बात करें हम, बहुउद्देशीय योजनाओं में शामिल हैं रेहंद बांध, शारदा परियोजना, रामगंगा परियोजना, माता टीला गंडक परियोजना, शारदा सहायक परियोजना, मध्य गंगा नहर परियोजना, घाघरा नदी परियोजना, गोविंद वल्लभ सागर परियोजना, राजघाट परियोजना, कन्हर सिंचाई परियोजना, भो दहन बांध परियोजना। उद्योग धंधों की बात करें तो चीनी, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, जूट, कांच, चमड़ा, दिया सलाई, साइकिल, कागज, सीमेंट, वनस्पति घी, इंजीनियरिंग, विद्युत उपकरण, एल्यूमिनियम, हथकरघा तथा कुटीर उद्योग आदि उद्योग हैं। चीनी उद्योग की बात करें तो 157 मिले मेरठ, देवरिया, गोरखपुर, सहारनपुर, बरेली, शाहजहाँपुर में है। सूती वस्त्र में 60 मिले हैं हाथरस लखनऊ, मोदीनगर, इटावा, अलीगढ़, उन्नैनी, इलाहाबाद में। रेशम वस्त्र उद्योगों की बात करें तो वाराणसी व इटावा में। जूट उद्योग 3 मिले हैं कानपुर व सहज जनवा गोरखपुर में। कांच उद्योग की बात करें तो नैनी, इलाहाबाद, बहजोई, मुरादाबाद, सासनी, अलीगढ़, सिकोहाबाद, फिरोजाबाद, बालावाली, बिजनौर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, रामनगर, वाराणसी में, हिरनगांव, फिरोजाबाद। चूड़ियों के उत्पादन में फिरोजाबाद को देश में अग्रणी स्थान है। ठीक, ऊनी वस्त्रों की बात करें तो 14 मिले हैं कानपुर, लाल इमली, मिर्जापुर, भदोही, संत रविदास नगर, गोपीगंज, वाराणसी में, शाहजहाँपुर, इलाहाबाद, आगरा तथा खमरिया। ठीक, आगे बात करते हैं चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग कानपुर, आगरा तथा सहारनपुर में। जूता निर्माण में आगरा अग्रणी स्थान है। संचार परिवहन की बात करें तो कारगर टेलीफोन एक्सचेंज 2620, याद रखिए, बदलते रहते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब यूपी, उत्तर प्रदेश करेंट अफेयर्स पढ़ोगे तो मालूम चल जाएगा। डाकघर 177,000, तारघर 3872, दूरदर्शन केंद्र 3, आकाशवाणी केंद्र 3। कुल पक्की सड़कें हैं 192,000 किलोमीटर, कुछ कुल पंजीकृत मोटर गाड़ियाँ 76,000, 89,000, 7,89,000। राजकीय बसें 7,003 हज़ार। ठीक है, फिर मुख्य उद्योगों की बात करें तो सीमेंट, वनस्पति तेल, सूती कपड़ा, सूती धागा, चूड़ी, कांच उद्योग, चीनी, जूट आदि मुख्य उद्योग हैं। मुख्य हस्तशिल्प चिकन का काम, जरी का काम, लकड़ी के खिलौने व फर्नीचर, मिट्टी के खिलौने, कालीन, सिल्क तथा पीतल का काम होता है। मुख्य पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थलों की बात करें तो पिपरहवा, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ वाराणसी में, कुशीनगर, चित्रकूट, लखनऊ, आगरा, झांसी, मेरठ। मुख्य धार्मिक तीर्थ स्थलों की बात करें तो काशी, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा, नैमिषारण्य, शक्तिपीठ, विंध्यवासिनी देवी देवी मंदिर, देवीपाटन, देवा शरीफ, कलियर शरीफ, नान कमता। ठीक है, और मुख्य लोकगीत हैं चेती, बिरहा, कजरी, रसिया, फाग, आला, पूरन, भगत और भरत हरी। मुख्य लोक नृत्य हैं चरकुला, चरमा, पंडव, पाई डंडा, थारू, धोविया, राई तथा सेरा आदि। ठीक है, ये देख ही लिए थे हमने। ठीक है, देख लेना जूता निर्माण में आगरा, ये देख चुके हैं पहले भी हम लोग। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम लोगों ने कितना पढ़ा है। ठीक है, कितने मन से पढ़ा है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन अक्षांशों और देशांतरों के मध्य स्थित है, तो याद रखना है इसमें एक होगा 23 डिग्री 52 से उत्तरी अक्षांश से
30 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश तक तथा 77 डिग्री 3 से पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 29 पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो। उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? तो आपको याद रखना है 3। ठीक है, देख लेना आप लोग कितने आप लोगों से सही बन रहे। ठीक है, उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम का विस्तार कितना है? तो याद रखना 650 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो याद रखना है आपको 210 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया? तो याद रखना 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को अलग करके। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखना यूनाइटेड प्रोविंस। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखिए 240,928 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 240,928 वर्ग किलोमीटर। छठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश कितने जनपद थे? छठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? तो याद रखना है 8। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? याद रखना है, आप पहले भी बात कर चुके हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। याद रखिए, पहले जब जब आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक था है, आंध्र प्रदेश अकेला राज्य था, तब पांचवें नंबर पर आता था। लेकिन जब से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हुए तो हमारा यूपी उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर आ गए। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो याद रखिए प्रथम नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाओं स्पर्श करती हैं? तो याद रखना केवल एक, नेपाल से लगती है। उत्तर प्रदेश को भारत में कितने राज्यों दिल्ली को छोड़कर की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो याद रखिए 8 और दिल्ली को मिलाकर 9। उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है? तो याद रखना 13 का होगा सी, बिहार झारखंड, 13 का सी। 14, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो 14 का होगा बी, बांगर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक उच्च पहाड़ी कौन सी है? तो 15 का याद रखिए होगा सोनाकर, 15 का होगा बी। क्वेश्चन नंबर 16, नेमिसा रन कहाँ स्थित है? तो याद रखना 16 का होगा ए, सीतापुर में। 17 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो याद रखना यह है गोंडवाना लैंड का, बी ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित में से कहाँ होती है? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित में से कहाँ होती है? तो याद रखिए गोरखपुर में। और सबसे तापमान कहाँ का रहता है? तो मथुरा का, याद रखिए सबसे ज़्यादा तापमान उत्तर प्रदेश में मथुरा का है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर में, ए ऑप्शन है 18 का। 19, शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश में तापमान किस दिशा की ओर कम होता जाता है? तो याद रखना 19 का होगा डी, दक्षिण से उत्तर। क्वेश्चन नंबर 20, मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? तो आपको याद रखना है समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय। क्वेश्चन नंबर 21, वर्ष के किन महीनों में उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में लू चलती है? तो आपको याद रखना है 21 का होगा सी, मई जून। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक तापमान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में शहरों में कहाँ होता है? तो याद रखना आगरा, पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा निम्नलिखित में से कहाँ होती है? तो याद रखना मथुरा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रथम मानसूनी वर्षा कब होती है? तो याद रखना है 24 का होगा बी, जून के अंतिम सप्ताह में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश में पटना बख्शी विहार किस जिले में स्थित है? तो याद रखना 25 का होगा सी,
एटा। उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किन मानसून से होती है, किस मानसून से? तो याद रखना बंगाल की खाड़ी से। 26 का ए है। क्वेश्चन नंबर 27, वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो याद रखना ये 27 का होगा सी, 75 से 85%। उत्तर प्रदेश में भावर भावर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? तो 28 का होगा हमारा सी, कंकरीले क्षेत्र में। 28 का होगा सी। 29, भगवान राम का जन्म स्थल अयोध्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? याद रखना 29 का होगा ए, फैजाबाद में। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोला गोकर्णनाथ उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना 30 का होगा सी, लखीमपुर खीरी। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना बस्ती में। 32 क्वेश्चन नंबर, सारनाथ का उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है सारनाथ? तो याद रखना बी ऑप्शन सही होगा, वाराणसी के निकट। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर प्रदेश में खेल का सामान बनाने का सबसे बड़ा केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा नगर है? तो याद रखना मेरठ। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल विठूर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना है कानपुर देहरादून। ठीक है, 34 का बी है। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? तो याद रखना 35 का होगा बी, हॉकी। उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या क्या है? तो याद रखना ये 312। याद रखिए ये बदलती रहती हैं, तो करंट अफेयर्स से अपडेट रहिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो याद रखिए अशोक। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है पूछ रहा है? तो याद रखिए 38 का सी होगा, आगरा। कानपुर है, वाराणसी है, गढ़मुक्तेश्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती के किनारे स्थित है? तो 39 का होगा ए, लखनऊ। लीची का उत्पादन कहाँ होता है? तो याद रखिए ए बी दोनों है, सहारनपुर में भी होता है, मेरठ में। तो 40 का होगा ए, 40 का होगा क्या सी। चलिए, तो ये था हमारा पहला चैप्टर, सामान्य उत्तर प्रदेश के बारे में देख लिया। उत्तर प्रदेश पर एक नज़र डाल लिए, अब बात करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश की। ठीक है, दूसरे चैप्टर में हम लोग देखेंगे।